वो क्या होती है। जो हम गा रहे हैं वो सिर्फ हमारी जुबान ना गाए, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी उसको बयान करेंगे तुम क्या क्या रहे हो। हालेलुया। जब कोई हमारी कमी निकालता बड़ा गुस्सा आता है। हालेलुया। जब कोई हमारी तरीफ करता बड़े खुश होते हैं हम लोग, फिर जबकियां डालते हैं। हाँ भाई, तुम तो हमारे भाई तुम्हारे असल कोई है ही नहीं, तुम तो हमारे अपने हो, तुमने सचमुच तुमने सही बात की है, बाकी जितने आए थे किसी ने भी हमको खुश नहीं किया। जो आपको खुश करने आएगा वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। दुश्मन आया, थोड़ी देर के लिए हवा को खुश किया और कहकर चला गया, ए बेवकूफ औरत तू जानती नहीं अगर उस फल को खा ले तो तू परमेश्वर के समान बन जाएगी। थोड़ी देर के लिए आया, आज तक हम लोग बचे नहीं। हालेलुया। थोड़ी देर का काम था। याद रखो, थोड़ी देर की आपकी तारीफ आपके घर को बर्बाद कर सकती है, थोड़ी देर की तारीफ आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, थोड़ी देर की तारीफ आपको नर की आग तक ले जा सकती है, थोड़ी देर की बेइज्जती आपको वो महिमा का ताज पहना सकती है। हालेलुया। थोड़ी देर की बेइज्जती, लेकिन बेइज्जती से हम डरते हैं, कोई हमारी बेइज्जती ना कर जाए, कोई भी आए हमारी तारीफ करके जाए। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया फीलिंग होनी चाहिए, तो मेरा पूरे का पूरा ध्यान इस पाक कलाम को जितना मैं पढ़ सकता था, जितना पढ़ा, जितना मेरे दिमाग में था, एक एक वर्ष जो थी मेरे सामने से गुजरनी शुरू हो गई। फीलिंग होनी चाहिए, आज फीलिंग नहीं है। हालेलुया। फीलिंग नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? आएंगे मेरे पॉइंट पर। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, जहां तक के सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इसराइल में बहुत सी विधवाएं थी, बहुत सी ऐसी औरतें थी जिनके पति मर चुके थे, बहुत सी। परंतु एलिया सारपत की विधवा के सिवाय किसी के पास भेजा, किसी के पास नहीं भेजा। और एलिशा भविष्यवक्ता के समय में इसराइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नेमान कोढ़ी के अलावा किसी को भी शुद्ध नहीं किया गया। कितनी अच्छी बातें प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, लेकिन क्या बोलते हैं अंग्रेजी में रिएक्शन, क्या हो रहा है उसका? ये बातें सुनते ही जितने उस इबादत घर में थे सब क्रोध से भागे। विचार करने की बजाय क्या कर रहे हैं? फिर मेरी और पास्टर में जोर की क्या औकात है? अगर प्रभु की बातें सुनकर वो प्रभु के खिलाफ क्रोध से भर सकते हैं, सच को सुनकर, सच्चाई को सुनकर अगर वो क्रोध से भर सकते हैं, तो फिर मेरी और आपकी कुछ भी औकात, कुछ भी वजूद वजूद ही नहीं है। खुदा का बेटा, खुद खुदा वो बातें कर रहा है, सही बातें कर रहा है, सच्ची बातें कर रहा है, लेकिन लिखा कि उसकी बात सुनते ही वो क्रोध से भर गए और क्या करने लगे, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से। नीचे गिरा। योना की झील के बाद जो किताब, क्या अमाल की किताब बोलते एक्स, उसका 7 चैप्टर उसकी 51 से लेकर 60 में लिखा,
जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। नबियों में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्ग दूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था को पाई परंतु उसका पालन नहीं किया। जब वो बातें बता रहा है इस्तफान स्टीफन पूरा शुरू से लेकर यीशु मसीह को कुर्बान किए जाने तक उसके जी उठने तक सारी की सारी बातें जब वो बता रहा है एक कलाम पत्रस ने सुनाया लिखा उनके मन जो थे वो टूट गए। लेकिन यहां पर भी क्या हो रहा है जैसा यीशु मसीह के साथ हुआ वैसा ही स्टीफन के साथ भी हो रहा है। ये बातें सुनकर वे जल गए और दांत पीसने लगे। हालेलुया। सच को कबूल नहीं किया बल्कि क्या कर रहे हैं दांत पीसने लगे और क्या बचा दिया ऐसी सच्ची बातें करने वाले इंसान को मार डालना है। क्योंकि यदि ये जिंदा रहा तो हमारा जिंदा रहना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सच बताने वाले को मार डालो। पत्थर उठा लिए नगर से बाहर ले गए पथराव कर रहे हैं और जिस पर पथराव हो रहा है उसको पत्थरों की परवाह नहीं वह यीशु मसीह को परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा हुआ देख रहा है। दुनिया बेशक हमको पत्थर मार ले दुनिया के पत्थरों का हम पर कोई असर होने वाला नहीं क्योंकि जहां पर हमने पहुंचना है वहां पर सच बोलकर ही पहुंच सकते हैं। और यदि सच बोलने की सजा पत्थर है तो फिर पत्थर भी हमें कबूल है क्योंकि ये उसकी मर्जी है। उसकी मर्जी के बाहर हम नहीं जा सकते। फीलिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितनी देर तक फीलिंग नहीं आती उतनी देर तक बात नहीं बनती। फीलिंग कब आती है और जब फीलिंग आती है तो परमेश्वर किस तरीके से फिर काम शुरू करता है। बाइबल की दूसरी किताब पूंज की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 23 से 25 वर्ष तक लिखा है बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहे भरने लगे और पुकार पे उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई परमेश्वर के कानों तक पहुंची। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनका कराहना उनका सिसकना सुना अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम इसहाक और यकूब के साथ बांधी थी याद किया और परमेश्वर ने इसराइलियों पर नजर करके उन पर अपना मन लगाया। हालेलुया। और सीधा मूसा को दर्शन दिया और मूसा को कहा ए मूसा इसराइलियों का रोना मेरे कानों तक पहुंचा है मैंने उनके एक एक आंसू को अपनी कुप्पी में जमा किया है। 400 साल तक गुलाम रहे क्या 400 साल में रोए नहीं थे। हालेलुया। गुलामी तो एक दिन की मुश्किल हो जाती है। खुदा के फजल से 18 दिन मुझे भी CIA स्टाफ जो क्रिमिनल ब्रांच होती है उसके अंदर रहना पड़ा था। 18 मिनट निकालना मुश्किल हो जाता है। मैंने वहां पर 18 दिन बिताए थे और वो मेरा अपना प्रैक्टिकल है। वहां पर उन्होंने मुझे हाथ नहीं लगाया मेरी स्किन को टच भी नहीं किया लेकिन मेरे सामने जिनको टच किया था उनको देखकर मैं मर रहा था। जिस भी मुजरिम को लाते थे बिल्कुल मुझको एक सामने वाली कुर्सी पर बिठा लेते थे और मेरे सामने उसको टॉर्च करते थे और कहते थे तुझे कुछ नहीं करना है तेरा नंबर बाद में आएगा। वो क्यों करते थे कि इनकी पिटाई देखकर ये अपने आप बिना कुछ पिटाई किए हुए बता दे कि हम जो तुझ पर दोष लगा रहे हैं वो सच है या झूठ। 400 सालों तक गुलामी में रहे
वो तो जब 4 घंटे ही गुलामी में रहे होंगे तब ही रोना शुरू कर दिया होगा, लेकिन 400 सालों तक रोने में फीलिंग नहीं थी। कभी कभी पत्नियां भी रोती हैं पतियों के सामने, तुम्हारा भाई बहुत बुरा आदमी है, तुम्हारी जो छोटी भाभी है ना वो तो बिल्कुल चुड़ैल है, तुम्हारी मां जो है ना इसको तो मेरा देखने को दिल ही नहीं करता, दुआ तो मेरी यही है कि तुम्हारा बाप कल मरता है आज ही मर जाए। और फिर कितने इतने बड़े आंसू निकलते हैं आंखों से, और हमारी भाषा में कहा जाता है मगरमच्छ के आंसू। हालेलुया। जो चतुर है, जो चलाक है, जो परमेश्वर का आत्मा पाया हुआ है, वो पल भर में ही समझ आता है ये आंसू असली है या। बहनों को समझ जाना चाहिए, पाक रूप पाए हुए इंसान को बेवकूफ नहीं बना सकते। शरीरिक इंसान शरीरिक बातों को समझता है, शरीर वालों की बातों को समझता है, पर आत्मिक इंसान आत्मा की बातों को फट से समझ आता है, तुरंत समझ आता है। तो पति जो आत्मा पाया हुआ होता है उसको फटाफट पता चल जाता है, एकदम से पता चल जाता है आंसू असली है या। हालेलुया। क्योंकि आंसुओं में फीलिंग होती है, तो फीलिंग उसको नजर नहीं आती, तो फिर वो यही कहकर बाप को खत्म कर देता है, कोई बात नहीं मम्मी से बात करूंगा। हालेलुया। कोई बात नहीं डैडी से भी बात करूंगा, कोई बात नहीं तुम्हारी जो दरानी है ना उसके साथ ही बात करूंगा, तुम चिंता मत करो, टेंशन मत लो। तो वो नहाने चला जाता है, वापस आता है तो बड़ा अच्छे ढंग से एक गाना लगा होता है, किचन में काम कर रही होती है, और उसको पता चल जाता है इन आंसुओं में फीलिंग, आंसुओं में फीलिंग नहीं थी। और जब फीलिंग वाले आंसू होते हैं तो बॉडी का एक एक जो नस होती है वो बयान करती है आंसू असली है या नकली है, आंसू मजबूरी से आ रहे हैं या दिल से आ रहे हैं, आंसुओं के बारे में पता चल जाता है। 400 सालों तक रोते तो थे लेकिन रोने में फीलिंग नहीं थी, लेकिन जिस दिन रोने में फीलिंग आई उसी दिन खुदावन खुदा ने कहा उनका रोना मेरे कानों तक पहुंचा है और मैं अपने लोगों को इस गुलामी से छुड़ाऊंगा, क्योंकि मैंने इनके बाप दादा से वायदा किया है और मैं वो यहोवा खुदा हूं जो वायदा करके कभी बदलता नहीं और जो कह देता हूं उसे पूरा करता हूं। फीलिंग नहीं, हम कलाम सुनाते हैं, कलाम में फीलिंग नहीं तो असर नहीं होगा। हम कलाम सुनते हैं, सुनने में फीलिंग नहीं तो भी असर नहीं होगा। जितनी देर फीलिंग नहीं आती उतनी देर तक कोई भी जो गुनहगार इंसान है कभी भी तौबा के लिए अपना हाथ नहीं उठाता जितनी देर तक फीलिंग नहीं आती। और ये कलाम जितनी देर तक कायम नहीं करता इसका